बहुत सी बीवियां अपने शोहर को डॉक्टर समझती हैं, जबकि उसने एमबीबीएस एमडी कुछ भी नहीं किया होता और डॉक्टर समझती हैं। कैसे? जैसे घर में दाखिल होता है, मेरे सर में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, मेरी कमर टूट रही है, वो डॉक्टर नहीं है। उसे रिसीव करिए मुस्कुरा कर एंड गिव हिम अ शॉर्ट ब्रेक। उसे मोहब्बत से मुस्कुरा कर अंदर बुलाइए, सलाम कीजिए, बैठने दीजिए। कुछ लोग तो प्लम्बर, मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन समझती हैं अपने शोहर को। जैसे घर में आता है, वॉशरूम का गीजर जल गया, वॉश बेसिन का टैप टूट गया, दुनिया भर के मसाइल घर के अंदर आते ही। ये हैं मिल्लत की वो बहनें जो बीवियां हैं, जबकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बीवियों को बनाया कि शोहर को उनके पास सुकून मिले। सुकून, जी यही लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कुरान हकीम में। अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान हकीम में सूरह रूम सूरह नंबर 30 आयत नंबर 21 में, ये अल्लाह की निशानियों में से है कि उसने तुम्हारी हमजिंस बीवियां पैदा की। वमिन आयातिही अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम उसके पास सुकून हासिल करो। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, वो तुम्हारे दरमियान इसलिए उसने मोहब्बत और उल्फत पैदा कर दी। अल्लाह ताला ने शोहर बीवी में ऐसी मोहब्बत रखी है कि एक दूसरे के पास उन्हें सुकून मिलता है। सहाबियात मुबशरात ने करके दिखा दिया, हमारे पास तमाम नमूने भी मौजूद हैं। उसके बावजूद हम तो मगरबी तहजीब की अंधी तकलीद में अपने मिल्लत की जो ख्वातीन हैं, सहाबियात हैं, उनको भूल बैठे हैं। मगरबी तहजीब ये सिखाती है ना, शोहर के तुम बराबर के हो तो अकड़ के रहो। और कुछ लोग तो पता है और गूगल पे अक्सर सर्च किया करती है पति को वश में करने के टोटके। आप देखिए, आप आधा सर्च डालेंगे पूरा सर्च आ जाएगा पति को वश में करने के टोटके अपने आप आ जाएगा। यही सिखाया जाता है टेलीविजन के तो फैन है हाँ, प्राइम टाइम जो औलाद की तरबियत का प्राइम टाइम होता है, मगरिबात से लेकर रात सोने तक प्राइम टाइम होता है तरबियत का, वो प्राइम टाइम टेलीविजन का प्राइम टाइम है। और वहाँ पे दिखाया जा रहा है कि किस तरह से शोहर को बस में किया जा रहा है और किस तरह से सास के ऊपर फतह हासिल की जा रही है और किस तरह से घर की देवरानी जेठानी के साथ पॉलिटिक्स में आगे बढ़ना है। यही देखते हैं डेली सोप। मिल्लत की खवातीन भी उसमें शामिल हैं। डेली सोप देख देख कर बर्बाद हो रही हैं और अपने जो नमूने हैं, जो दुनिया में भी कामयाब आखिरत में भी कामयाब, उनको हमने भुला दिया है। तो लिल्लाह पलटिए सहाबियात की तरफ, उनकी तरह शोहर को और तमाम घर वालों को ट्रीट कीजिए।